नमस्कार, एंड्रो फिक्सचर के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीपीटी बनाना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ऑफलाइन पीपीटी कैसे बनाते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन पीपीटी बनाने के लिए हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक है, यहाँ पे पिक्सल लैब का एक ऑप्शन है। यही हमारा एक एप्लीकेशन है जिससे हम पीपीटी बनाएंगे, वो भी ऑफलाइन। दोस्तों, ये ऐप ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल ऐप है और बहुत ही अच्छे से वर्क करता है इसमें। मतलब इसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो मतलब आप लोगों का मोबाइल हैंग नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और बहुत ही इसमें बहुत सारी फीचर है, जिससे आप लोग एक बहुत ही अट्रैक्टिव पीपीटी बना सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर ज़्यादा समय गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम पिक्सल लैब में चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को पीपीटी बना के दिखाते हैं। यहाँ से हम पिक्सल लैब अपना ओपन कर रहे हैं और दोस्तों देख सकते हैं, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था उसी का उसने दिया था कि अगर ओके कर देता तो यहाँ पर शो होने लगता उसमें और एडिट कर सकता मैं, मतलब कुछ भी एडिट कर सकता था, तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया। यहाँ देख सकते हैं, इसका कुछ इस तरह का थीम होता है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग जब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इसे यूज़ करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में खुद ही पता चल जाएगा। तो इसमें इससे मैं आप लोगों को समझ लिया कि इंट्रो करा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे बहुत सारे आप लोगों को थीम मिल सकता है। यहाँ पर 3D वाला भी थीम देख सकते हैं, यहाँ पर 3D वाला भी थीम, 3D टेक्स्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मुझे लगता है कि PPT बनाने के लिए सबसे बढ़िया ये डिफ़ॉल्ट वाला सबसे ज़्यादा अच्छा पड़ता है। ये डिफ़ॉल्ट वाला या फिर ये थीम वाला या फिर ये थीम वाला, ये वाला पीपीटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा पड़ता है और बहुत यही वाला यूज़ ही करते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि पीपीटी बनाना किस में ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीपीटी बनाना जैसे करेंट अफेयर्स हो गया, आप लोग GK हो गया, यही अगर यूट्यूब पर वीडियो इसी के बारे में बताते हैं तो यही सबके लिए पीपीटी बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे आप लोगों के पास, तो वो आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों को एक पीपीटी बना के दिखाते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को दिख जाते हैं। तो यहाँ से सिंपली इसे टेक्स्ट को मैं कट कर देता हूँ और यहाँ से सिंपली टेक्स्ट इंटर करने के लिए यहाँ पे आप लोग इस वाले प्लस वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो ए लिखा है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे जहाँ जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ए वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। तो इसे इस पर इसमें लिखने के लिए कुछ यहाँ पे सिंपली आप लोग देख सकते हैं एडिट का, या फिर यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन देख रहे होंगे तो इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे एडिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट इंटर करने के लिए आ गया है। यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन कुछ भी लिखना चाहते हैं टेक्स्ट अपना, तो लिख सकते हैं। तो मैंने एक टेक्स्ट कॉपी किया था तो यहीं पर पास्ट कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है हमारा, यहीं पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन है। आप लोग भी ऐसा ही क्वेश्चन या फिर और कुछ करना चाह रहे होंगे, तो जो लोग अगर करंट अफेयर डालते हैं तो लोगों उन लोगों को क्वेश्चन आंसर ही लिखना रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक क्वेश्चन है हमारा ये वाला, और इसे मैंने इतना बड़ा कर दिया, इसका साइज़ भी और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से साइज़ पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं साइज़ का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करके हम लोग इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर इसे लंबा करना चाहते हैं मतलब खींच के, तो इसके लिए यहाँ पे इधर करेंगे, यहाँ देख सकते हैं एक लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग का, तो इस पर क्लिक करके लाइन स्पेस कर सकते हैं ऊपर से नीचे। और अगर ऐसे स्पेस देना चाहते हैं तो ये इस वाले पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, अब ये देख सकते हैं किस तरह का हो गया। अगर इस तरह का आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे, राइट हो जाएगा। राइट पर नहीं क्लिक करेंगे फिर भी राइट हो जाता है। तो चलिए दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर चलिए इसे छोटा कर देता हूँ, फिर बैक आते हैं, देख सकते हैं राइट मैंने क्लिक नहीं किया फिर भी हो जाता है। तो राइट में नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा, बहुत बहुत हो जाता है, बहुत बहुत नहीं होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग जो चाहे यहाँ क्या आके यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करना होगा तो यहाँ से कलर वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे और इसका यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर देंगे, तो ब्लैक भी कर सकते हैं। और इसे और बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो फॉन्ट भी बदल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा,
मतलब फॉन्ट है, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। अगर जो लिखा है उसके नीचे लाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इस पर क्लिक करके लाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ फॉन्ट वाली क्लिक करेंगे, यहाँ से जो चाहे फॉन्ट आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आप लोगों को मिल जाते हैं। तो चलिए एक सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट कुछ इस तरह का हो गया है। तो यहाँ से फॉन्ट आप लोग बदल सकते हैं। और यहाँ से बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं, देख सकते हैं बैकग्राउंड में कलर लग गया। जो भी कलर आप लोग लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो यहाँ से कलर लगा सकते हैं, यहाँ जो भी कलर लगाएंगे आप लोग लग जाएगा। तो यहाँ से वाइट कर लीजिएगा, ज़्यादा परफेक्ट पड़ेगा पीपीटी के लिए, वाइट ही ज़्यादा परफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ से इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन से इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस बार इंक्रीज करते हैं। ये वाला साइड लेफ्ट राइट वाला साइड रहता है, ये वाला लेफ्ट राइट वाला साइड रहता है, देख सकते हैं ये राइट वाला है और ये वाला लेफ्ट वाला है। तो इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये अप डाउन वाला है, तो यहाँ से अप डाउन जो भी कर सकते हैं। यह देख सकते हैं कुछ इस तरह हो गया। अगर ये वाला नहीं करना चाहते हैं आप लोग, मतलब बैकग्राउंड में नहीं लगाना चाहते हैं, अगर इसका थीम बदलना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली इस वाले जो डबल लेयर टाइप है, डबल कोस्टक टाइप है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी कलर बैकग्राउंड में आप लोग लगा सकते हैं, या फिर एक कलर या फिर मिक्स कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से मिक्स कलर कोई भी लगा सकते हैं। अगर एक सिंपल एक कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारे कलर हैं जो आप लोग लगा सकते हैं। तो अधिकतर वाइट ही लगाते हैं लोग, जहाँ तक मुझे पता है पीपीटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा वाइट का यूज़ करते हैं। और दोस्तों आप लोग इसका प्रयोग, मतलब इस ऐप का यूज़ वीडियो का थंबनेल बनाने में भी कर सकते हो। तो मैं अपने वीडियो का थंबनेल इसी ऐप से बनाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग इसे कुछ इस तरह का लुक दे सकते हैं। और यहाँ से आप लोग इमेज भी एड कर सकते हैं, इमेज भी एड कर सकते हैं, और यहाँ से इमेज साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं। और आप लोग अगर लाइव इमेज खींचना चाहते हैं यहाँ से कैमरा से आप लोग इमेज ले सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखिए स्ट्रिप्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं किस तरह का हो गया है। अगर इस तरह का आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग अगर आएंगे तो आप लोग खुद ही इसे मतलब एडिट करते करते समझ जाएंगे। मैंने तो इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया है, आप लोग अगर इसे डाउनलोड करेंगे तो खुद ही आप लोग इसे चलाना जान जाएंगे। और इसे डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे पिक्सल लैब आप लोग लिखेंगे तो वहाँ पे तुरंत ये वाला ऐप आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों को डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फिर भी डाउनलोड करके दिखा देते हैं इसे कैसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ से प्ले स्टोर में जाएंगे, तो यहाँ से हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया है। अब हम सिंपली सर्च बार में सर्च करेंगे पिक्सल लैब। तो यहाँ पे पिक्सल लैब आप लोग जैसे ही लिखेंगे, एक दो वर्ड लिखेंगे वो तुरंत ही आ जाएगा। तो PIXEL LAB, थोड़ा मीनिंग गलत भी रहेगा फिर भी आ जाएगा, पता नहीं मीनिंग सही है कि गलत है। तो यहाँ देख सकते हैं पिक्सल लैब का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से इसे एंटर करके हम तो सर्च कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को सबसे ऊपर ही पिक्सल लैब का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पिक्सल लैब हमारा ऐप आ गया है। तो यहाँ से हमारा अभी इंस्टॉल है, तो हम इसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारा हम अपने ऐप में चले जाएंगे। यहाँ से आप लोग इसे पिक्सल लैब सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो ऐप आ जाएगा, तो इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरी मानिए तो ये पीपीटी बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है, क्योंकि इससे बहुत ही अट्रैक्टिव पीपीटी बनता है। मैंने आप लोगों को पूरा बताया नहीं, अगर पूरा मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे इसे यूज़ करेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कितना यूज़फुल ऐप है। दोस्तों इससे पीपीटी बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अट्रैक्टिव पीपीटी बनता है अगर आप लोग अच्छे से बनाए तो। तो आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और दोस्तों हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप ही लोगों को फ़ायदा होता है, मुझे फ़ायदा नहीं होता है। और बहुत लोग तो मतलब जानबूझ के सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सोचते हैं सब्सक्राइब करूँगा तो उनका ही फ़ायदा होगा, ऐसा मत सोचिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।